हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमबीए टूर्स। ट्वेल्थ के बाद करियर के लिए टेंशन होती है। आजकल बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शन हैं कि हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कौन सा कोर्स चूज करें। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हुए उसके अकॉर्डिंग सुटेबल कोर्सेज का स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट की जाए और उसके बाद अपने लिए कोर्स को सेलेक्ट करें। मोस्टली स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है BBA। जिन स्टूडेंट्स को फाइनेंस सेल्स मार्केटिंग में इंटरेस्ट होता है उनके लिए BBA एक पॉपुलर कोर्स है। BBA कोर्स मार्केटिंग, अकाउंटिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट्स को कवर करता है। इस कोर्स को फुल टाइम करस्पॉन्डेंस और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये एक UG कोर्स है एंड इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 ईयर की होती है। इस कोर्स को करने के बाद आप MBA भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो है BBA और MBA के बेनिफिट्स से रिलेटेड। तो इसके बेनिफिट्स क्या है अब ये जानते हैं। पहले जानते हैं BBA कोर्स के बेनिफिट्स के बारे में। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसके थ्रू एनालिटिकल स्किल्स, स्ट्रेटेजिक स्किल्स, बिजनेस सेंस और प्रोफेशनल टैलेंट डेवलप्ड करता है। BBA के थ्रू आपको मैनेजमेंट की डीप नॉलेज भी मिलती है। BBA करने के साथ आप करियर जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड की जाती है। BBA करने के बाद MBA करना इजी हो जाता है। BBA करने के बाद आपके लिए ऐसे मैनेजरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स की डोर्स ओपन हो जाते हैं जहाँ पर हाई सैलरी और बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर किए जाते हैं। BBA ग्रेजुएट्स HR एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, एंटरप्रेन्योर और पब्लिक रिलेशंस जैसी पोजीशंस पर जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस की बात करें तो 45,000 टू 5 लाख तक की लगती है एंड इस कोर्स को करने के बाद सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी 3 लाख टू 5 लाख पर एनम तक रहती है। तो अब बात करते हैं MBA कोर्स के बेनिफिट्स की। MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। इसे फुल टाइम, पार्ट टाइम, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस से कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स है। BTech, BCom, BA, BSc और BBA ग्रेजुएट्स MBA का कोर्स करते हैं। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो MBA हायर सैलरी पैकेज ऑफर करता है, MBA ग्लोबल एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, MBA स्किल्स डेवलप करता है, MBA बहुत से स्पेशलाइजेशंस ऑफर करता है लाइक जनरल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, IT मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड मैनी मोर। MBA ब्राइट करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है और MBA करने के बाद आप मैनेज करने वाली पोजीशंस जैसे फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, डेटा एनालिटिक्स मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग सेल्स मैनेजर, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर जैसी पोजीशन पर जॉब कर सकते हैं एंड इसकी सैलरी की बात करें तो 4 लाख टू 10 लाख पर एनम तक रहती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो बेनिफिट्स ऑफ BBA एंड MBA कोर्स से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।